और भाई ने ताली बजाते रहिए। अस्सलाम वालेकुम, गुड आफ्टरनून, कैसे हैं? माय सेल्फ दफानी सिद्दीकी, और इस बिजनेस को शुरुआती दौर से जैसे ही नूर भाई ने बताया, कोई क्वेश्चन नहीं किया और इसके साथ शुरू हो गया, और धीरे धीरे 3 महीना गुजरने वाला है और आपके सामने ये 3rd महीने की क्लोजिंग का ये सेमिनार जो है चल रहा है। तो कैसे 3 महीने का सफर गुजरा और आज किस दौर से हम इसको लेके चल रहे हैं, आगे बढ़ने वाले हैं, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। और इस बिजनेस का जो प्लान है, जिसको देखकर लोग आने के लिए मजबूर हो जाते हैं, उसकी चर्चा होगी, क्योंकि इस बिजनेस का जो प्लान है वही बताने के लिए मुझे यहां पे इनवाइट किया गया है। यहां से दिखेगा? हाँ जी उसी में। फ्रेंड, आज हम जो जिस दौर से गुजर रहे हैं, हर दौर में कुछ ना कुछ बदलाव होता है। तो अब इस वक्त जो बदलाव हो रहा है वो खरीदारी का बदलाव है। खरीदारी का बदलाव समझ रहे हैं? पहले जो सिस्टम था उसको बाटा सिस्टम कहा जा सकता था, क्योंकि पहले के लोग एक चीज, एक प्रोडक्ट को देके उसके बदले में दूसरा प्रोडक्ट लिया करते थे। जैसे कोई अगर अनाज देता था तो उसके बदले में कपड़ा, कोई चावल देता तो उसके बदले में गेहूं, इस तरीके से आदान प्रदान का बिजनेस था। लेकिन धीरे धीरे सोच चेंज हुई, उसमें कुछ कमियां पाई गई, तो फिर क्या हुआ कि हर आदमी अपने जो उसके यहां प्रोडक्ट थे उसको दे के उसके बदले में अपना पैसा ले लेता था अपने जरूरत का, और फिर जो उसकी जरूरत थी उससे सामान ले लेता था। कुछ दिन में उसमें भी काफी कमियां पाई गई, तो फिर ये ट्रेडिशनल सिस्टम का चलन हुआ जो आज तक हम लोग जी रहे हैं। लेकिन अब क्या है, अब इसमें भी बहुत बड़ा बदलाव हुआ। क्या कमी है और आने वाले वक्त में अगर हम इससे चेंज होते हैं तो क्या बेनिफिट्स है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तैयार हैं? Yes, तैयार हैं? Yes. तो एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए, क्योंकि हमारे सिस्टम में जो आप देख रहे हैं ये सारे प्रोडक्ट्स हैं। इस प्रोडक्ट को यहां पे आप देख तो रहे हैं, लेकिन इसके पीछे बहुत मेहनत की है तब आपके सामने आया है कि नहीं। हम क्या करते हैं, एक प्रोडक्ट लेते हैं, उसको पे करते हैं, लेकिन इसके पीछे क्या है, कंपनी ने एक ही प्रोडक्ट बनाया है क्या? बहुत बड़ा है कि नहीं? पूरे सिस्टम लगा है, पूरी टीम लगी है। तो उस टीम में एक हमारे सादिक साहब हैं जो प्रोडक्ट मैनेजर भी हैं, और पूरी तन्मयता के साथ अभी आपको उसके बारे में बताया है। तो एक बार आपके सम्मान में जबरदस्त ताली होनी चाहिए। और मैं यहां पे आपको देख रहा हूं, तो ये सिस्टम के MD मिस्टर नूर मोहम्मद साहब, जिनके बदौलत यहां पे सिस्टम आपको मिल रहा है, तो एक बार उनके सम्मान में ताली हो जाए। दोस्तों, इस बिजनेस का आन बान शान मार्केटिंग प्लान, जैसे कि हम अगर इसको छोड़ते हैं तो ये नीचे गिरता है, लेकिन इतना बड़ा वजनी लोहे की चीज आसमान में उड़ रही है, क्यों? कि उसके पीछे सिस्टम काम कर रहा है। यस और नो? यस। हम लोग जो भी बात करेंगे यस नो में, क्यों सर? यस, है ना? तो सिस्टम काम कर रहा है। यहां पे हम देख तो रहे हैं कि ये चीजें हैं, लेकिन हकीकत में क्या है, इसके पीछे जो सिस्टम है उसकी पावर है, तो उसकी मैं बात करूंगा। जैसे यहां पे आप देख रहे हैं MN मार्केटिंग,
आज तक जो सिस्टम चल रहा है उसको क्या कह सकते हैं, ट्रेडिशनल मार्केट, यानी परंपरागत व्यवस्था या परंपरागत बाजार। आज तक हम लोग जिस तरीके से एक प्रोडक्ट लेना होता है, यानी अगर हम साबुन भी लेते हैं तो हम आप क्या हैं, कस्टमर हैं, यस और नो? क्या ये कस्टमर अपने हाथ से बनाता है साबुन? नहीं, पता चलता है इससे लेता है रिटेलर से। तो क्या रिटेलर महोदय बनाते हैं? ये भी नहीं बनाते। ये किससे लेते हैं? होलसेलर से लेते हैं। और ये भी नहीं बनाता, ये किससे लेता है? डिस्ट्रिक्ट के डिस्ट्रीब्यूटर से, जो व्यापारी होता है। और डिस्ट्रिक्ट डिस्ट्रीब्यूटर भी क्या बनाते हैं, क्या प्रोडक्ट? नहीं बनाते, ये स्टेट के डिस्ट्रीब्यूटर से लेते हैं। तब कंपनी का नंबर आता है, और कंपनी और सिस्टम के बीच में एक कैरियर फॉरवर्ड एजेंसी होती है, जो सामान को यहां से वहां ले जाती है। ऐसे ही है, आज इसी तरह सिस्टम चल रहा है। क्यों? हेलो, इसी तरह सिस्टम चल रहा है। हम आप इसी के पार्ट हैं, इसी के पार्ट हैं कि नहीं? इसी तरीके से हम कोई भी प्रोडक्ट परचेस करते हैं तो यही सिस्टम लागू होता है। अब इसका हमारी जिंदगी पे क्या असर पड़ता है? भाई ये क्या समाज सेवा कर रहे हैं क्या? क्या ये समाज सेवा कर रहे हैं? ये अपनी दाल रोटी के लिए यहां पे मेहनत कर रहे हैं, है ना? तो कोई भी प्रोडक्ट का 20% पैसा इस भाग में इन्वेस्ट हो जाता है, यानी कि इन लोगों के घर में चला जाता है, है ना? और चलिए, ये तो पैसा लगा के कुछ काम कर रहे हैं, लेकिन एक बहुत बड़ा पैसा हमारा प्रचार, 30% पैसा हमारा कहां चला जाता है? प्रचार में चले जाता है। ऐश्वर्या कहती है, मेरी खूबसूरती का राज लक्ष 5 करोड़ उसके घर में चला जाता है। तो क्या उन्होंने कभी लक्ष यूज किया होगा? क्यों दोस्तों? हेलो, पता चला कि वो अपनी फेस वैल्यू का पैसा कमा रहे हैं झूठ बोल के। इसी तरीके से बहुत से ऐड हैं जिसके जरिए हम आप कोई भी सामान परचेस करते हैं। तो आप देखिए, 30-20-50% पैसा हमारा ऐसे चला जाता है। इसका हमारी लाइफ पे क्या असर पड़ता है? 10 रुपए का सामान हमें आपको मिलता कितने का है? 20 रुपए का। यही सच है कि नहीं? अगर हम आप 100 रुपए का सामान लेते हैं तो उसके लिए हमें कितना पे करना पड़ता है? 200। अगर एक फैमिली में महीने भर में 10,000 का खर्चा है तो उस फैमिली के मुखिया को कितना कमाना पड़ता है? 20,000। ये कड़वा सच है, आज हम लोग इसी दौर से गुजर रहे हैं। यानी हमारा 50% पैसा कहां चला जा रहा है? इस भाग में चला जा रहा है। ये देखिए, बनिया जो है 4 दिन में महाजन हो जाता है। ये सब पूंजीपति ऐसी कार से घूमते हैं, किसके पैसे से? हमारे आपके पैसे। इनके बच्चे अच्छे से अच्छे कॉलेज में पढ़ते हैं, इनके माँ बाप का बड़े बड़े हॉस्पिटल में इलाज होता है। क्या किसी हॉस्पिटल में लिखा है कि आपके माँ बाप का इलाज नहीं हो सकता? क्या किसी कॉलेज में लिखा है कि आपके बच्चे नहीं पढ़ सकते? लेकिन रोका किसने है? हमारी आपकी जेबों ने रोका। ये सारो अब बताइए, क्या ये ठीक है? इसी तरह होना चाहिए? हेलो, सबको लग रहा गलत है, लेकिन इससे बचने का कोई रास्ता नहीं था आज से पहले, है ना? जब हमें आपको गलत लग रहा है तो इस पर रिसर्च किया गया, इकोनॉमिक्स ने रिसर्च किया कि इससे बचा कैसे जाए, है ना? तो एक रास्ता निकाला जिसका नाम क्या है? DSM, डायरेक्ट सेलिंग मेथड। क्योंकि इसको हटा के देखा कि अगर कस्टमर ना रहेगा, और ये सब लोग हैं, ये सारा पार्ट है, कस्टमर ना रहे तो क्या काम बनेगा, है ना? और अगर कस्टमर रहे, ये सारे लोग रहे और कंपनी ना रहे तो काम बनेगा क्या? कभी नहीं बनेगा। अब अगर इनको हटा दो, देखिए ये हट जाते हैं, कंपनी रहे और कस्टमर रहे, और ये बीच से इनको हटा दिया जाए तो क्या होगा, है ना? क्योंकि कंपनी सामान बनाती है और कस्टमर इस्तेमाल करता है, यही दो की जरूरत है। बीच में अगर इन लोगों को हटा दिया जाए तो ये पैसा जो बचेगा, कंपनी ने कहा ये पैसा हम आप में बांट देंगे। बस फ्रेंड, इतने ही सा सिस्टम है। अब कैसे बांटेंगे, इसके लिए भी एक सिस्टम बनाया गया है कि हर इंसान को कैसे पैसा यहां से कमा सकता है, हर इंसान के घर में कैसे पैसा जाएगा, उसका एक सिस्टम बना है। उसकी भी चर्चा हो जाए। हेलो, है ना? तो अब
अब जैसे यहाँ पे जो सिस्टम लागू हुआ 1996 में जब फाइनेंस मिनिस्टर मनमोहन सिंह थे, उन्होंने पूरे यूरोप कंट्री का दौरा किया, जब ये पाया गया कि जहाँ पे ये सिस्टम लागू है वहां पे गरीबी नहीं है, वहां के जो गरीब हैं वो यहाँ के अमीरों से अच्छे हैं, है ना। तो 1996 में यहाँ पे ये व्यवस्था लागू की गई, कुछ कंपनियां इसमें आई और कुछ लोगों के ट्रेडिशनल मार्केट में उधारी वाले सिस्टम चलते हैं वहां पे पैसे ब्लॉक थे, बहुत सी कंपनियां नहीं आई, है ना, कुछ कंपनियां आई। उसी के क्रम में आज जो आप देख रहे हैं एमएन मार्केटिंग, इन्होंने इस सिस्टम को अडॉप्ट किया और कहा हम आपके घरों में इस सिस्टम से सब कुछ पहुंचाएंगे, A to Z, गुड मॉर्निंग से गुड नाइट तक, ठीक है। अब इसके लिए क्या है, अगर आप इस दुकान से उस दुकान पे आते हैं तो क्या फायदे होते हैं। पहला फायदा, सबसे पहला फायदा कि यहां पे आपको जो भी सामान मिलेगा वो कैसे मिलेगा, सस्ता मिलेगा, क्योंकि बिचौलिया यहां पे कोई है ही नहीं। दूसरा सबसे बड़ा फायदा ये है कि यहां पे आपको जो भी सामान मिलेगा वो कैसा मिलेगा, असली मिलेगा, क्योंकि डुप्लीकेसी कौन करता है, यही बिचौलिया करते हैं। अपने चंद फायदों के लिए गली कुचे में छोटी मोटी फैक्ट्री डालते हैं और क्या करते हैं, डुप्लीकेसी का काम करते हैं। आज हमारे घरों में हर चीज डुप्लीकेट आ रही है, मिर्चा हो चाहे धनिया हो चाहे हल्दी हो, सब कुछ डुप्लीकेट आ रहा है, ये बताने की जरूरत नहीं है, अक्सर देखिए पेपरों में आता रहता है, क्यों दोस्तों, ऐसा है कि नहीं मार्केट में, है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे कोई डुप्लीकेसी का सिस्टम ही नहीं है, 100% यहाँ पे आप चैलेंज दे सकते हैं कि यहाँ पे हमें जो भी सामान मिलेगा असली मिलेगा, ठीक है। अब तीसरा सबसे बड़ा फायदा यह है कि 10-40% यहाँ पे आपको बेनिफिट भी मिलता है, जो हमने जिंदगी भर यहाँ से सामान खरीदा किसी ने 1 रुपए भी 10 रुपए भी आज तक हमारे घर में नहीं पहुंचाया क्या, हेलो। अब यहाँ पे हमें ये बेनिफिट मिल रहा है। और चौथा सबसे बड़ा फायदा यह है कि आपको एक मदद करने वाली पूरी टीम मिलती है, पूरी टीम आपको यहां पे मिलती है जो आपके घरों में कैसे कामयाबी पहुंचे उसके लिए मेहनत करती है। तो ये सारी जो अच्छाई है ये लेनी चाहिए कि नहीं आम आदमी, है ना, इसके लिए कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। बस आपको करना क्या है, ये दुकान से इस दुकान पे आना, अगर दिशा बदल दिया तो कैसे दशा बदलेगी, है ना, ये प्लान के जरिए भी आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। प्लान कैसे है, अगर आप इस सिस्टम में आते हैं तो अब कंपनी ने जो एक प्लान बनाया है, किसका, इन्वेस्टमेंट प्लान, यानी कि कैसे हम पैसे को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, जो आपका पैसा यहां पे आता है ये बीच वाला पैसा है, कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, इसके लिए कंपनी ने क्या बनाया है, एक पैकेज बनाया है। यदि अगर आप हमसे रजिस्ट्रेशन कराते हैं, रजिस्ट्रेशन क्या है, रजिस्ट्रेशन तो आपका नाम पूछा, कंपनी ने आईडी लिया, आपका क्या हुआ, एक आईडी क्रिएट हो गई, भाई यहां तक हमने जिंदगी भर सामान लिया, कोई ने नाम पूछा क्या, है? नहीं पूछा, तो हमें लगता है कि यहाँ पे नाम नहीं पूछा गया तो ठीक है, लेकिन जब नाम पूछ लिया जाता है तो क्या लगता है, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं, क्योंकि ये मेंटेलिटी है। अब क्या हुआ, यहाँ पे कंपनी ने कहा आपका हम नाम पूछेंगे, आपका आईडी लेंगे, उसी में तो पैसा जाएगा, पैसा कहां जाएगा भाई, आपका बैंक अकाउंट होगा यहाँ पे तभी उसी में पैसा जाएगा, है ना। इसलिए कंपनी ने कहा कि अगर आप यहां से पैसा कमाना चाहते हैं तो हमारे क्या है, कुछ पैकेजेस हैं। पैकेज में क्या है, ये देखिए हमारा ये है प्रोडक्ट है, जिसके बारे में अभी आपको हमारे प्रोडक्ट मैनेजर साहब ने बहुत अच्छी जानकारी दी है, और हमारे ये दो पैकेज हैं। अगर आप या तो इसको परचेज करते हैं तो हमारे सिस्टम में आ जाते हैं, ये मोरिंगा है, मोरिंगा सैजन की, जानते होंगे इसके बारे में, इसमें मोरिंगा मिला है, लेमन मिला है, त्रिकटो मिला है, अश्वगंधा मिला है, दुग्धी मिला है, फ्लैक्सीड मिला है, लगभग 7 प्रोडक्ट से ये बना हुआ तैयार है। इसमें जो भी प्रॉब्लम है, जोड़ों का दर्द, हड्डी का दर्द, पीठ की हड्डी का दर्द, यानी प्रेगनेंसी के बाद जो भी महिलाओं में प्रॉब्लम होती है उससे छुटकारा का ये एकमात्र उपाय है, अगर आप इसको यूज करवा देते हैं। ये हमारा क्या है, गिलोय तुलसी, गिलोय के बारे में आप जानते हैं, नीम की पत्ती के बगल में पेड़ में लगा रहता है गिलोय, इसके साथ इसमें क्या मिला हुआ है, तुलसी मिली हुई है, औषधि गुण की तुलसी, प्लस इसमें पिपली मिली है और हल्दी मिली है ना। इससे पुराना से पुराना बुखार और अगर टाइफाइड है वो भी इससे जाता रहेगा, ठीक है। हाँ, सी जो काम होगा तो उससे फायदा मिलेगा। तो ये दो
डब्बा और एक ये, अगर आप ये लेते हैं तो कंपनी आपको कितने में पे करती है? मात्र 1440 रुपए में। या तो इस सिस्टम से आप कंपनी में आ सकते हैं। और हमारा ये दूसरा प्रोडक्ट ये है, एक तरीके से रामबाण है, आपकी कोई भी बीमारी होगी उससे ये छुटकारा दे देगा। अगर इसको डिफाइन करेंगे तो अभी टाइम लगेगा, क्योंकि प्रोडक्ट मैनेजर साहब ने अभी आपको बहुत अच्छी जानकारी दी। क्यों सर? तो ये हमारा प्रोडक्ट आप लेंगे तो ये कंपनी आपको मात्र 2700 में दे रही है। एमआरपी 3000 इसकी है और इसकी 1600, लेकिन चूंकि 10-20% का हमारा डिस्काउंट है तो यहाँ पे आपको मिलता कितने का है? 2700 का ये मिलता है, 1440 का ये मिलता है। अब आप यहां से इस कंपनी में इनकम लेने के हकदार हो जाए। अब आप जैसे ही यहां पे किसी एक बंदे को भी सिस्टम में ज्वाइन करवाते हैं 2700 से, तो पहली इनकम कंपनी क्या दे रही है? डायरेक्ट इनकम। कौन सी डायरेक्ट है? डायरेक्ट लेवलिंग 1 से 20% लेवल तक यहां से आपको डायरेक्ट लेवल इनकम कंपनी दे रही है। जैसे आप पहला बंदा ले आते हैं तो 300, अगर दूसरा बंदा आता है तो +300, अगर इस तरीके से 10 बंदे आ जाते हैं तो आपके घर में कितनी इनकम आती है? 3000 की इनकम आपके घर में जाती है। अगर ये बंदा किसी दूसरे को यहां पे ले आता है 2700 से ज्वाइन कराता है तो 300 इनके घर में और प्लस यहां से 100 रुपीज आपके घर में जाता है। अगर इस तरीके से 10 बंदे यहां पे आ जाते हैं तो 10 गुणे यानी 1000 रुपए आपके घर में यहां से जाते हैं। इसी तरीके से अगर ये बंदा किसी को ज्वाइन कराता है तो 300 इनके घर में, 100 इनके घर में यहां से 50 रुपीज, यानी कि 20 स्टेप तक 20वें नंबर पे भी कोई बंदा ज्वाइन करता है तो यहां से भी आपके घर में इनकम जाती है। हेलो, पीछे तक बात पहुंच रही है ना? अब अगर आप एक सोच के देखें कि एक बंदा है वो 10 लोगों को ज्वाइन कराता है और इस कंपनी को भूल जाता है, समझिएगा, केवल 10 लोगों को ज्वाइन कराता है और इस कंपनी को भूल जाता है, ठीक है। अगर यही काम ये 10 लोग भी कर देते हैं तो कितने लोग हो जाएंगे? 100 लोग। और अगर ये 100 लोग भी केवल यही काम करते हैं, है ना, अगर 1000 लोग भी केवल 10 लोग को ज्वाइन कराते हैं तो कितने लोग हो जाएंगे? 10000। और अगर 10000 लोग भी केवल 10 लोगों को ज्वाइन कराते हैं तो कितने हो जाते हैं? 1,00,000। यानी कि 5 ही स्टेप में आपके साथ कितने लोग आ जाएंगे? 1,00,000 लोग। अब सोच के देखें 1,00,000 जिसके साथ होंगे उसका क्या होने वाला है? यानी अगर आपके नेटवर्क में 1,00,000 का नेटवर्क बन जाता है तो आपकी इनकम कहां से कहां पहुंच जाती है, थोड़ा इसको समझने की बात। जबकि ये प्लान है 20 स्टेप तक का, है ना। अब देखिएगा, अगर ये 5 ही स्टेप में आ जाए तो आपके पास इतने लोग हो जाएंगे, तो क्या इसी तरीके से लोग आपके बताने पर आ जाएंगे? क्यों, क्या आसानी से लोग आ जाएंगे? हेलो, बहुत से लोगों ने बहुत कंपनियों में हो सकता हो काम किया हो, लेकिन क्या इस तरीके से लोग बताते हैं तो आपके साथ लोग आ जाते हैं? हेलो, यस सर, नो, नहीं आते। आप 10 लोगों को बताते हैं तो हो सकता हो 1-2 लोग आते हो, ऐसा होता है कि नहीं? है ना, यानी कि किसी के साथ 1 आते हैं, किसी के साथ 2 आते हैं, किसी के साथ 3 आते हैं, किसी के साथ 1 लोग भी नहीं आते हैं, वो खाली परेशान हो जाता है। यानी नेटवर्क किस तरह चलता है? इस तरह चलता है, इस तरह नहीं चलता। यही सही, यही सत्य है क्या? नहीं, यही सच्चाई है नेटवर्क इंडस्ट्री की, यही मार्केट की, यही लोगों ने क्या दिखाया, यही फीडबैक मिला। लेकिन अगर इस तरह चल जाए तो क्या होगा? अगर इस तरह चल जाए तो क्या होगा? यहां पे आप होते हैं, आपके घर में 40,00,000 पहुंच चुका होता है। केवल 5 स्टेप में 40,00,000 आपके घर में पहुंच चुका होता है। और सोच के देखिए कि एक मिडिल क्लास फैमिली में अगर 40,00,000 आ जाए तो कैसा रहेगा? हेलो, लाइफ बेहतर गुजर सकती है कि नहीं? क्यों दोस्तों, है ना। तो ये कंपनी ने कहा है कि हम आपका सिस्टम इस तरह चलाएं, इसके लिए एक प्लान डिजाइन कर दिया है। उसका क्या नाम है? क्या नाम है? हेलो, सिल्वर क्लब। कंपनी ने कहा कि ये प्लान से आपका सिस्टम इसी तरह चलेगा, तो मजा आएगा कि नहीं बता दिया जाए?
जी। एक बार ताली हो जाए। कंपनी ने कहा कि अगर आप ज्वाइन करते हैं और ज्वाइन करने के 60 डेज के अंदर, 60 दिन के अंदर अगर आप अपने जैसे 10 लोगों को इस सिस्टम में ज्वाइन करा देते, कितने लोगों को? 10 लोगों को इस सिस्टम में ज्वाइन करा देते, ज्वाइन होने के 60 डेज 60 दिन के अंदर अगर 10 लोगों को आपने ये प्रोडक्ट से ज्वाइन करा दिया या सेल कर दिया या अपने दोस्त में या फ्रेंड सर्किल में कहीं भी या मेडिकल स्टोर में सेल करवा दिया, केवल 10 लोगों को अगर आपने ये सिस्टम के जरिए प्रोवाइड करा दिया तो आप कहां चले जाएंगे? कंपनी आपकी आईडी कहां डाल देगी? सिल्वर कलम। आपकी आईडी कहां डाल देगी? सिल्वर कलम में। और यहां पे कंपनी का जो भी टर्नओवर होगा, जो भी महीने का टर्नओवर होगा, उसका कंपनी कितना निकालेगी? 5%। और इसमें बांटेगी जितने लोगों ने सिल्वर कलम कंप्लीट किया। क्लियर हो ना? यानी मान लीजिए कंपनी का 1 करोड़ का टर्नओवर है और 5% कितना आएगा? 5 लाख। ये किसमें बटेगा? जितने लोगों ने सिल्वर कलम किया है। मान लीजिए कि 5 ही लोगों ने किया है तो कितना कितना आ जाएगा? 1-1 लाख। और अगर ये 10 लोगों ने किया है तो कितना आ जाएगा? 50-50 हजार। और ये अगर 100 लोगों ने किया है तो 5-5 हजार। यानी कि जब ये बढ़ेगा तो टर्नओवर भी तो बढ़ेगा, टर्नओवर भी तो बढ़ेगा। हेलो, क्यों दोस्तों? ये अब ये केवल 100 ही लोगों को ये सिस्टम में अवसर दिया जाए। यानी फर्स्ट जो सिल्वर अचीवर हैं, पहले 100 सिल्वर अचीवर जो हैं, उनके लिए ये कंपनी ने क्या दिया है कि विदाउट कोई कंडीशन नहीं रहेगी, आप लाइफ टाइम यहां से इनकम ले सकते हैं। कौन वाली? सिल्वर क्लब की इनकम। इसके बाद जो सेकंड सेशन होगा उसमें कंपनी आपको क्या करेगी? कुछ कंडीशन अप्लाई करेगी, ठीक है? लेकिन अगर आप अभी आ जाते हैं तो आपके घर में ये लाइफ टाइम ये इनकम आती है। कंपनी ने ये स्ट्रेटेजी क्यों की? क्योंकि कंपनी जानती है कि अगर 100 लोग इसमें आएंगे तो आप कंपनी के पास कितने लोग आ जाएंगे? 1000। जब 1000 लोग आ जाएंगे तो इसमें अगर एवरेज मानिए तो कंपनी को 100 लोग ऐसे मिल जाएंगे जो कंधे से कंधा मिला के काम करने वाले होंगे, होगा कि नहीं? तो किसी कंपनी को उठाने के लिए 100 लोग कम होते हैं क्या? क्यों दोस्तों? बहुत लोग, क्योंकि पूरे समाज में लोगों की कमी नहीं है ना, 1.25 अरब की जनसंख्या, तो लोग आते रहेंगे और ये टर्नओवर बढ़ता रहेगा। लेकिन शुरुआती जो 100 लोग हैं उनको इसका बेनिफिट जिंदगी भर मिलेगा, अगर वो नहीं है तो उनके आने वाली जनरेशन को मिलेगा, ठीक है? तो कंपनी ने ये प्लान इसलिए डिजाइन किया है। और कंपनी कह रही है हम ये भी जानते हैं इसमें से 50-50 लोग ऐसे होंगे जो जिंदगी भर इसी इनकम के लिए आएंगे केवल एक बार, है कि नहीं? तो कंपनी के लिए ये हमारे वो लोग होंगे, या तो वो हमारा अपना होगा या कोई अपनों का अपना होगा जो अभी फेस वैल्यू पे आएगा, हमारी बात सुन के आएगा, क्योंकि जब चल जाएगी तो बहुत से लोग आएंगे, एक से आएंगे नहीं, लेकिन अभी जो आएगा वो हमारा अपना होगा, तो उनको हम लाइफ टाइम में इनकम देने के लिए तैयार है। क्लियर? बिठा दीजिए। इसके बाद कंपनी ने कहा कि हम आपको एक अलग इनकम दे रहे हैं, किसकी? रिवार्ड। जैसे ही आपके 10 लोग हो जाते हैं तो पहला रिवार्ड क्या दे रही है? ट्राली बैग। या तो आप ट्राली बैग नहीं लेते हैं तो 1700 हम आपको कैश भी दे सकते हैं। जैसे ही अगर आपके 10 लोगों में से 1 लोग मिलके, 2 लोग मिलके या 10ों मिलके 100 हो जाते हैं तो दूसरा रिवार्ड हम आपको क्या देते हैं? बाइक या 50,000 कैश। अब ये 100 लोग मिलके जिस दिन 1000 आपके साथ हो जाएंगे तीसरे स्टेप पे, तो कंपनी आपको तीसरा रिवार्ड क्या देगी? सैलरी या 5 लाख कैश। इसके लिए कोई टाइम लिमिट नहीं है, आप चाहे 6 महीने में करें, चाहे साल भर में करें, चाहे 5 साल में करें, जिस दिन आपका ये रिवार्ड हो जाएगा आपको मिल जाएगा। क्लियर? इसके बाद नेक्स्ट इनकम जो कंपनी ने दी है अपलाइन इनकम। अपलाइन इनकम क्या है? आप आते हैं, ठीक है, आप आए, आपने अपने साथ कुछ लोगों को ज्वाइन कराया, है ना? ये तो आपको ट्री में इस तरह दिख रहा है, लेकिन कंपनी की जो मेन ट्री है उसमें आपको लेफ्ट राइट एक टीम दिख जाएगी, है ना? यहां से एक
राइट और लेफ्ट एक ऑप्शन रहेगा, आप इसको ज्वाइन कराते हैं तो आप लेफ्ट करेंगे तो लेफ्ट चला जाएगा, दूसरे को राइट करेंगे तो राइट करा जाएगा, तीसरे को लेफ्ट, है ना, लेफ्ट राइट आप जैसे आप आपके सामने ऑप्शन रहेगा, जिधर आप क्लिक करेंगे उधर उसकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। जो लोग ने ज्वाइन किया है ऑप्शन देखा है वो समझ भी रहे हो, है ना, तो इस तरीके से टीम बढ़ती है। अब आपकी इनकम धीरे धीरे ये लोग काम करते हैं तो आपकी इनकम बढ़ती है। जब आपकी इनकम जो भी होगी, मान लीजिए कि 1,000 हो, 10,000 हो, चाहे मान लीजिए हम एक लाख का एग्जाम्पल लेते हैं, मान लीजिए आपकी इनकम 1,00,000 हुई तो अपलाइन इनकम में 10% आपका निकलेगा। 1,00,000 का 10% कितना हो गया, हेलो, 10,000, यानी 10,000 आपकी इनकम का 10,000 कंपनी की तरफ से डिजाइन है कि 10,000 कंपनी निकालती है अपने फंड से, और आपके जो डायरेक्ट लोग हैं चार लोग जितने लोग भी हैं उसमें क्या होता है बराबर बराबर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, यानी चार लोग हैं तो 2,500 इनको, 2,500 इनको, 2,500 इनको, 2,500 इनको। अब एक बंदा देख रहा था यार आपके काम करने से इनके घरों में इनकम आ रही है, तो आपसे आया कहने लगा हमें भाई अपने डायरेक्ट जोड़ दीजिए, तो आपने उसकी आईडी यहां पे ज्वाइन करी, आप अब लेफ्ट आपने मारा तो यानी कि नीचे आ गए, अगले महीने फिर लोगों ने काम किया, फिर आपकी इनकम 1,00,000 बनी, 10% 10,000 निकला, अब चार के बजाय कह लो हो गए, अब कितना आ जाएगा 2,000 पांच लोगों में आ गया। अब मान लीजिए आपकी इनकम 20,000 हुई तो वही हिसाब से 10% फिर निकलेगा दो, है ना, फिर मान लीजिए 400 आता है, 200 आता है, किसी महीने 200, किसी महीने में 400, अरे बताइए जो भी इनकम आपकी आएगी उसका 10% उनको मिलेगा, तो एक महीना, दो महीना, तीन महीना ये क्या करेंगे, दो बत्ती अगरबत्ती लेके गया भगवान या ईश्वर, है ना, ये बंदा इस कंपनी में कमाता रहे और हमें बैठे बैठाए आता रहे, यही तो कहेगा। दो चार महीने में इसकी भी अंतरात्मा जागेगी, ये भी लगेगा बताने, जब ये बताने लगेगा तो और सब भी इनकम आने लगेगी, आएगी नहीं। अब इसके बाद कंपनी ने एक और इनकम रखी है नेक्स्ट, क्या, डाउनलाइन इनकम 10%, यानी अब ये लोगों की टीम जब बढ़ेगी तो ये लोग भी तो काम करेंगे, अब ये लोग जब काम करेंगे तो इनके काम करने से मान लीजिए इनका 50,000 का पे आउट बना, इनका 20,000 का पे आउट बना, इनका 10,000 का पे आउट बना, इनका 5,000 का पे आउट बना, तो इनकी इनकम का 10% आपके घर में जाता है, इनकी इनकम इनको पूरी मिलती है और इसका आपको 10% आपके अकाउंट में जाता है, यानी 50,000 का कितना 5,000, 20,000 का 2,000, 10,000 का 1,000, 500 का, है ना, 5,000 का 500 ये आपके अकाउंट में जाता है। इस तरीके से डाउनलाइन की इनकम का 10% अपलाइन को और अपलाइन की इनकम का 10% डाउनलाइन में बराबर बराबर बढ़ जाता है। क्या इससे पहले ऐसा प्लान कहीं देखने को मिला, हेलो फ्रेंड, कहीं देखा, तो इतना शानदार प्लान यहां पे डिजाइन हुआ है, तो इसके प्लान के लिए क्या करना चाहिए, है ना, जोरदार मिटा दीजिए। तो ये तो हो गया हमारा फास्ट इनकम कमाने का प्लान, यानी आप अगर आते हैं तो यहां से बहुत तेज इनकम आप यहां से कमा सकते हैं। अब इसके बाद जो यहां से इनकम आएगी वो जाएगी कहां, ये समझने वाली बात है कि जो हम इनकम यहां से लेंगे वो कहां खर्चा करेंगे, कहां खर्चा करेंगे, यही लाला बनिया के यहां है कि नहीं, यही खर्चा करेंगे नहीं, या तो अपने पड़ोस की दुकान पे, कोई या तो चौक पे जाएंगे, कहां लेकिन जाएंगे, यही कस्टमर के, यही के दुकान पे जाएंगे तो हम क्या बन जाएंगे, कस्टमर, है ना, इसका सिस्टम ही है आम आदमी। लेकिन अगर आपने यहां से ले लिया, इस प्लेटफॉर्म से ले लिया, एमएन मार्केटिंग से सारे मसाले हैं और पार्टी वाइज नंबर वन के हैं, अगर आप यहां से लेते हैं कितने का 1,000 बिजनेस वैल्यू का सामान, अगर यहां से आप ले लेते हैं तो देखिए कितना बड़ा परिवर्तन हो सकता है। हम काम जो कर रहे थे, काम तो वही कर रहे हैं आज भी, हेलो, हर लोगों के हर घर में डेली प्रोडक्ट वो होता है कि नहीं, गुड मॉर्निंग से गुड नाइट तक, तो क्या हम यहां पे कोई अलग काम कर रहे हैं क्या, वही काम तो कर रहे हैं, लेकिन क्या कर रहे हैं, दुकान बदल के कर रहे हैं। अगर एमएन मार्केटिंग से लेते हैं 1,000 बिजनेस वैल्यू का, तो कंपनी यहां पे पहले इनकम दे रही है
ग्लोबल रॉयल्टी यानी के रिपर्चेज इनकम। रिपर्चेज इनकम में पहली इनकम क्या है? ग्लोबल रॉयल्टी 10%। मान ली कंपनी का 1 करोड़ का टर्नओवर है, कंपनी ने इसका 10% निकाला और ग्लोबल रॉयल्टी में रखा है। ये बटेगा कैसे? कंपनी ने देखा हमारी पूरी कंपनी में 1000 बिजनेस वैल्यू का सामान लेने वाले कितने लोग हैं। मान लीजिए 1000 लोग ऐसे हैं जिन्होंने 1000 बिजनेस वैल्यू का सामान खरीदा है, तो कंपनी 1000 बिजनेस वैल्यू का सामान खरीदने वालों की एक यूनिट बना देती है। यानी इंडिकेशन क्या किया कि आपने एक यूनिट कंप्लीट कर ली। अब कंपनी ने देखा कि 10 लाख रुपए यहां पे रखा है, ये कैसे बटेगा? 1000 लोग हैं तो 1000 से क्या किया, इसमें डिवाइड किया, एक यूनिट की कीमत कितनी निकल के आ गई? 1000। अब आपने 1000 का सामान खरीदा और आपके घर में 1000 पहुंच गया। इस तरीके से आपने जितनी यूनिट बनाई है उसको डिवाइड करके आपके घरों में पहुंच जाए, क्लियर। दूसरी इनकम कंपनी ने दी है कौन सी? एक्टिव इनकम 5% एक्टिव इनकम। अब यहां पे क्या हुआ, आप यहां से एक्टिव हुए हैं, आपके लोग कुछ आने लगे है ना, तो कंपनी ने यहां पे आपको एक्टिव इनकम दिया है कि आप यहां पे एज ए स्टार्टिंग में कुछ लोगों को बताने लगे तो आपके घर में यहां से एक्टिव इनकम कितनी आएगी? 5% 1 करोड़ का कितना हो गया? 5 लाख। अब ये 5 लाख कैसे बटेगा? एक्टिव इनकम में आपने अपने एक लोगों को इधर सामान दिला दिया 1000 बिजनेस वैल्यू का और एक लोगों को इधर 1000 बिजनेस वैल्यू का सामान दिला दिया। कंपनी देख रही है आपकी एक मैचिंग हो गई तो यहां से एक्टिव इनकम आपको स्टार्ट हो जाएगी। 1000 बिजनेस वैल्यू की आप मैचिंग करते हैं तो ये इनकम आपको स्टार्ट हो जाएगी। और कैसे मिलेगी? कंपनी ने देखा हमारी पूरी कंपनी में मान लीजिए कि 1000 ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपनी मैचिंग करवाई है, तो एक मैचिंग पे एक यूनिट। तो मान लीजिए कि इसके यहाँ पे नीचे जितनी भी मैचिंग कंपनी ने काउंट किया पूरी कंपनी में, मान लीजिए 1000 मैचिंग बनी है, तो इसको किस तरीके से डिवाइड किया? उसी तरीके से यही सिस्टम 5 लाख में 1000 से मल्टीप्लाई किया तो एक यूनिट की कीमत कितनी आ गई? 500। अब इसको उसी तरीके से डिवाइड किया, कैसे? मान लीजिए इसके नीचे 1000 बिजनेस वैल्यू के कितने एक यूनिट हो गई, यहाँ पे 1000 बिजनेस वैल्यू के एक यूनिट हो गई, तो इसको कितने मिल गई? एक मैच किया तो कितने मिल गए इसको? एक यूनिट के बदले 500 रुपए इसको मिले, है कि नहीं। अब मान लीजिए इनकी इनकम, इनके एक लेग में 8000 का टर्नओवर होता है, एक लेग में 10000 का टर्नओवर होता है, तो इनकी कई यूनिट मैच हो गई? 8 यूनिट। 8 यूनिट मैच करेगी तो इनको कितना मिलेगा? 8×45 4000 इनको मिल गया, हेलो। अब इसी तरीके से इन्होंने क्या किया, इनके नीचे टीम बनी, इधर पूरी टीम में मान लीजिए 11000 का टर्नओवर हुआ और इधर पूरी टीम में 12000 का टर्नओवर हुआ, यानी इनकी 11 यूनिट बनी, तो 11 यूनिट को कैसे 500 से डिवाइड किया तो 11×5 है ना, इतना 5.5 हजार की इनकम इनको मिली। अब पूरी कंपनी में क्या हुआ, आपके नीचे इसी तरीके से काउंट हुआ, आपके इधर जितनी मैचिंग हुई इधर जितनी मैचिंग हुई उसको कंपनी ने काउंट किया। मान लीजिए इधर आपकी 18 10 18 कितना हो गया? 18000 का टर्नओवर इधर हो गया और इधर 23000 का टर्नओवर हो गया, तो यानी आपकी 18 की मैचिंग हुई है ना, तो 18 × कितना हो गया? 500। आपकी इनकम कितनी बन गई? 18×9000 की इनकम आपकी बनी। इस तरीके से कंपनी आपको एक्टिव बोनस की इनकम देती है। इसके बाद नेक्स्ट इनकम क्या है? एक्युमुलेटिव परफॉर्मेंस बोनस। जो बंदा भी यहां पे 1 रुपए से लेके 1000 तक का सामान लेता है तो उसको कंपनी क्या देती है? हेलो, 10%। और 1000 1 रुपए से लेके 5000 तक का सामान लेता है तो 13%, और 5001 से लेके 20000 तक का सामान लेता है तो 16%। इस तरीके से 75000 तक का सामान होता है तो कंपनी आपको 25% की इनकम देती है, हेलो। और आप यहां पे क्या हो जाते हैं? डायरेक्टर हो जाते हैं। आपको एक रिकग्निशन होता है कि आप डायरेक्टर बन जाते हैं। अब इस तरीके से जो भी बंदा आता है आपके साथ, कुछ लोग हैं तो अब ये भी तो काम करेंगे, एक दिन ये भी डायरेक्टर बनेंगे, तो यहां से कंपनी आपको 25 से 28% पे कर देती है और यहां से आप सीनियर डायरेक्टर हो जाते हैं। जैसे ही आपका दूसरा बंदा आता है ना, 25% पे ये आ जाता है, तो आप यहां से 31% पे हो जाते हैं। इस तरीके से बढ़ते बढ़ते आप
40% तक जाते हैं। लेकिन पहला बंदर आपका जब आता है तो यहां से आपको 3% कंपनी क्या देती है, ट्रैवल बोनस, है ना। दूसरा बंदा आता है तो यहां से आपको 2% कंपनी बाइक फंड देती है, और तीसरा बंदा आता है तो 6% आपको कंपनी कार फंड देती है। इसके बाद फिर 2% की रॉयल्टी, फिर अदर 2% की रॉयल्टी, इस तरीके से कंपनी आपको 40% तक का डिस्ट्रीब्यूशन करती है। क्लियर। इसके बाद नेक्स्ट इनकम कंपनी आपको क्या दे रही है, लीडरशिप बोनस। लीडरशिप बोनस जैसे अभी आपने देखा कि हमने क्या किया, खाली दुकान बदल के अपनी सामान जरूरत का लिया, तो क्या हो गया, आप अपना इस सिस्टम में आ जाते हैं ग्लोबल रॉयल्टी के, आप हकदार हो जाते हैं। लेकिन अब इसके बाद जैसे ही आप कुछ लोगों को बताने लगते हैं तो आपको एक्टिव इनकम आने लगती है, एक्टिव बोनस। ठीक है, अगर आपने 2-4-10 घरों में इस तरीके से सामान पहुंचवा दिया तो आपका हर महीने ये जोड़ता जोड़ता बढ़ता चला जाएगा। जब बढ़ते बढ़ते आपका 75,000 यानी आप डायरेक्टर हो जाते हैं, आपके नीचे कई डायरेक्टर हो जाते हैं, तो कंपनी आपको बना देती है लीडर और आपको लीडरशिप बोनस 15% लीडरशिप बोनस देती है। 15% लीडरशिप बोनस यानी 1 करोड़ का 15% 15 लाख निकालेगी और आपके नीचे जितनी बड़ी टीम होगी उतनी बड़ी आपके घरों में इनकम आएगी। यानी ये लीडर हो जाते हैं तो यहां से इनकम की कोई लिमिट नहीं होती, एक आईडी पे आप लाखों करोड़ों रुपए की इनकम कमाने वाले हैं। क्योंकि अभी 3 महीना हुआ है, अभी धीरे धीरे 6 महीना होगा, साल भर होगा, 2 साल होगा, कंपनी जैसे जैसे ग्रोथ करेगी वैसे वैसे आपकी इनकम यहां से बढ़ती चली जाएगी। ठीक है, अब इसके बाद कंपनी ने एक आपको एक और स्पेशल सर्विस दी है। हम हर इंसान आज घर में क्या है, अपने मोबाइल यूज कर रहा है, हर घर में 1-2 मोबाइल है कि नहीं, तो यहां पे यूपीआई सर्विस कंपनी ने दी है कि अगर आप अपने घर का मोबाइल, अपनी टीम का मोबाइल अगर उनके आईडी से रिचार्ज करते हैं, डिश टीवी का रिचार्ज करते हैं, तो वहां से भी आपकी बहुत बड़ी इनकम आने वाली है। यानी कि एक प्रोडक्ट वो भी है, आने वाले वक्त में बहुत बड़ी पावर, यानी बहुत बड़ा प्रोडक्ट हो जाएगा हर इंसान का, है ना। अब इसके बाद कंपनी ने कहा है कि यदि आप कहीं आपने मान लीजिए 2-4 ज्वाइनिंग करवाई यहां से 30-40 किलोमीटर दूर, तो वहां पे उसको प्रोडक्ट की जरूरत पड़ेगी, तो प्रोडक्ट की जरूरत पड़ेगी, तो या तो आप प्रोवाइड करवाइए या तो कंपनी। उसके लिए कंपनी ने कहा अगर आप वहां पे किसी का 5,000 है ना 50,000 की फ्रेंचाइजी ओपन करवा दे तो कंपनी आपको क्या देगी, उसको जरूरत सामान की जरूरत पड़ेगी, लेकिन अगर आपने उसकी उसके बीच में से किसी बंदे की एक शॉप ही खुलवा दी तो इसका डीपी रेट का 6-8% इसको बेनिफिट होगा और यहां से आपको 2% का कंपनी एज ए प्रमोटर आपको देती है। मान लीजिए धीरे धीरे साल भर में इसका टर्नओवर 1 करोड़ का हो गया तो यहां से आपकी इनकम कितनी होने वाली है, 2 लाख की इनकम आपको साइड से ऐसे हो। अगर आपने 5 शहरों में फ्रेंचाइजी खुलवा दी, 5 शहरों में फ्रेंचाइजी खुलवा दी और 2 साल के बाद एक एक फ्रेंचाइजी का टर्नओवर 1-1 करोड़ आ रहा है तो आपको एक एक जगह से 2-2 लाख की इनकम आने वाली है। 5 जगह से 2-2 लाख की इनकम आएगी तो कितना हो जाएगा, 10 लाख रुपए आपको साइड से आ रहा है। इस तरीके से कंपनी का प्लान ये डिजाइन है और आने वाले वक्त में कंपनी वक्त वक्त पे टाइम टू टाइम एक ऑफर भी देती है ना। वो जैसे ऑफर आएगा, अभी जैसे दिवाली ऑफर चल रहा था, अभी कुछ और ऑफर आएगा है ना, तो वो भी आपको दिया जाएगा। उस तरीके से एक बहुत बड़ी इनकम आपको ऐसे गिफ्ट में भी मिलती है। इस तरीके से ये हमारा प्लान जो कंपनी का है, बहुत शानदार प्लान जो आप लोगों ने अभी देखा, कैसा लगा। हेलो, सही लग रहा, अच्छा। एक ऑफर है, एक कहानी के साथ अपनी बात को खत्म करेंगे क्योंकि अभी यहाँ पे बहुत लोग हैं जिनको इस कंपनी के बारे में आपसे डिस्कशन करना है। एक मरतबा एक जंगल में बारिश हो रही थी और एक तालाब के किनारे एक पेड़ था, उस पे एक बंदर और बंदरिया बैठे थे। एक आकाशवाणी हुई कि अगले पल जो भी इस
तालाब में पानी में कूद जाएगा, तो अगर वो नर हुआ तो सुंदर सा पुरुष बन जाएगा, अगर फीमेल है मादा है तो सुंदर सी स्त्री बन जाएगी। तो बंदरिया फौरन कूद गई, फौरन कूद गई पानी में। अब वो जैसे ही निकली तो सुंदर सी स्त्री बन गई, राजकुमारी बन गई। अब वो देख के सबसे ज्यादा परेशान कौन हुआ? बंदर। अब क्या किया बंदर? फिर कूदा बाद में, तो कैसा निकला? उसी तरह निकला। तो बंदर ने कहा बंदरिया से, ए बंदरिया तुझे क्या सूझी थी, तू फौरन क्यों कूद गई? तो बंदरिया ने कहा कि तुम रहे बंदर के बंदर ही, आकाशवाणी हुई थी जो फौरन कूद जाएगा वो बन जाएगा, तो हमने कहा कि फौरन कूद जाएं, यही सोच के हम कूद गए और हम बन गए। यहां पे क्या कह रहा है? सिस्टम कह रहा है कि फौरन अगर आप 100 में शामिल हो जाते हैं तो लाइफ टाइम आपको एक रॉयल्टी जैसी इनकम आती है सिल्वर क्लब की, वो लेने के लिए हमें फौरन कूद जाना चाहिए कि नहीं? सोच विचार नहीं करना चाहिए। तो इन्हीं शब्दों के साथ हम माइक आगे देंगे। मिस्टर, हमारे बीच में काफी लीडर मौजूद हैं जिनका बाहर बाहर बिजनेस है और हमारे आपके बीच में मौजूद हैं, तो उनको हम आप सम्मान के साथ बुलाते हैं। आप लोग की जोरदार ताली होगी और मंच पे इनवाइट करेंगे डॉक्टर मिस्टर महरूफ साहब को।